अब बात करेंगे बीजेपी की बैठक की। बेमित्रा से खबर है जहां पर रेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। रमन सिंह नारायण चंदेल इस बैठक में पहुंचे हैं। मुंगेली के विधायक पुन्नीलाल मोहले और अंजना साहू भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल भी साथ में मौजूद है। बिरनपुर हिंसा के कार्यकर्ताओं से अब जानकारी यहाँ पर ली जाएगी। आपको एक बार फिर से बता दें, बेमित्रा से इस वक्त ये बड़ी खबर है। रेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं की बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नारायण चंदेल जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके अलावा मुंगेली के विधायक पुन्नूलाल मोहले, अंजना साहू भी मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इस बैठक में पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि बिरनपुर में जो हिंसा हुई थी उसकी कार्यकर्ताओं से यहां पर जानकारी अब ली जाएगी। तो बेमित्रा के बिरनपुर में जो हिंसा हुई थी उसके बाद तनाव का माहौल था और अब उस पर हमने देखा था राजनीति भी हुई थी और बीजेपी की तरफ से जो पार्टी के नेता है वो परिजनों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी बीजेपी की तरफ से खुद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष साथ ही साथ विधायक दल के भी परिजनों से मुलाकात करने की खबर सामने निकल कर आ रही थी कि मुलाकात करने के लिए आज पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, एक अहम बैठक इस वक्त बीजेपी नेताओं की चल रही है, बिरनपुर हिंसा की कार्यकर्ताओं से जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल रितु, मैं बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी के जो विधायक है वो बेमित्रा रेस्ट हाउस पहुंचे हुए हैं। वहां पे जो स्थानीय कार्यकर्ता है और साझा क्षेत्र के जो बीजेपी के लोग हैं उनसे वो चर्चा कर रहे हैं, पूरी रणनीति बना रहे हैं और कुछ देर बाद वो बीरनपुर के लिए निकलेंगे। बीरनपुर में अभी भी 144 धारा लागू है, पुलिस प्रशासन वहां पे लगी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वहां पे क्या रणनीति बनती है और पूर्व मुख्यमंत्री का आज उनके परिजन से मुलाकात भी है। भुवनेश्वर साहू मृतक जो उनके परिजन से मुलाकात उनसे चर्चा भी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल एक ताजा अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि बिरनपुर हिंसा की, देखिए इस बैठक में कार्यकर्ताओं से जानकारी तो ली जा रही है और थोड़ी ही देर के बाद बिरनपुर के लिए रवाना होंगे जहां पर भुवनेश्वर साहू के परिजनों से ये नेता मुलाकात करेंगे।